संख्याओं का गुणनखंड एक ही लाइन में कैसे सिखाते हैं, तीन संख्याओं को कैसे गुणा एक ही लाइन में किया जाता है, हम आप लोग को यहाँ पर सिखाएंगे। जैसे उसका फॉर्म, उसको नियम होता है, इस नियम के अनुसार चलेंगे। जैसे दो संख्याओं का गुणा करना रहेगा, पहले तो दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं के गुणा के बारे में देखेंगे। दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, पहले तो इस नियम के अनुसार चलेंगे। जैसे डंडा है, तीर है, उसी के अनुसार चलेंगे, कैसे गुणा किया जाता है। जैसे जैसे तीर चलेंगे उसी तरह हम भी चलेंगे, बस और कुछ करना नहीं है। देखिए, जैसे जैसे तीर चलेंगे उसी प्रकार हम भी चलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपको 25 में 33 का गुणा करना है, 25 में 33 का गुणा करना है, कैसे एक ही लाइन में यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर तुरंत कैसे आएगा इसको हम सीखेंगे। देखिए, तीर का मतलब है कि ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर नीचे, ऊपर नीचे गुणा करना है। तो तीन का गुणा पाँच में करेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा, 15 को 5 हासिल एक लिखेंगे, हासिल यहाँ पर एक लिख लेते हैं। अब इस तीर का मतलब है कि एक तीर इधर गुणा करेगी, एक तीर इधर गुणा करेगी, यानी कि 3 × 5 में होगा, इस 3 × 2 में होगा। तो 3 × 2 में होगा तो 3 × 2 = 6 होगा, इस तीर का गुणा 5 में होगा तो 3 × 5 = 15 होगा, लिख लिए। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे, 15 × 6 = 21, 22 × 2 मतलब 22 आ गया, 22 को यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हासिल 2 बच गया, हासिल जो है 2 बच गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर इस तीर का मतलब है कि बस ऊपर नीचे गुणा करना है, एक ठो मुँह नीचे है, एक ठो मुँह ऊपर है, तो इसका मतलब है कि इस एक ठो ऊपर गुणा करना है, एक ठो नीचे गुणा करना है। इसका मतलब 3 × 2 में करना है, 3 × 6, और 6 होता है 6 में 2 ठे सरिया जोड़ देंगे तो 6 × 2 = 8 आ गया। यानी कि अब इसका गुणा करेंगे 25 का 33 में तो 825 आएगा। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आए तो आप इसको यहाँ पर परीक्षण कर सकते हैं। जैसे 25 का 33 में गुणा करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। 3 × 5 = 15 को 5 हासिल हो गए, 3 × 6 = 7, फिर गुणते 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 7, तो यहाँ पर 5 × 7 = 12, 7 × 1 = 8, 825 आ गया। यहाँ पर 1125 आए, एक लाइन में हुआ है, एक तीन लाइन में हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई और संख्या ले रहे हैं, 22 ले लिए हैं और 23 ले लिए हैं। जिस तरह तीर चलेगी उसी तरह करना है, कुछ करना नहीं है। एक गुणा दो में करेंगे, एक गुणा दो में मतलब इस तीर के नीचे मुँह है, एक तो तीर का ऊपर मुँह है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक गुणा दो में करेंगे तो 2 होगा। अब इस तीर का मुँह नीचे इधर है, एक तीर का इधर है, एक तीर का इधर है, एक तीर का इधर, मतलब इस तरह गुणा करना है, इस तरह गुणा करना है। देखिए इधर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, इसका 1 × 2 में करेंगे 2 होगा, इसका 3 × 2 में करेंगे 3 × 6 होगा। अब इसको अपन में जोड़ देंगे, गुणा करके जोड़ देंगे, 6 × 2 = 8, 8 हो गया, 8 को 8 लिख दिए। अब यहाँ पर इस तीर का मतलब, इस तीर का मतलब निकल गया, इसका भी निकल गया। अब इस तीर को देखेंगे, इस तीर का मुँह ऊपर नीचे है तो 3 × 6 = 6 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 22 का 33 में गुणा करेंगे तो 682 आ गया आंसर। अब इसी प्रकार कोई भी संख्या, दो संख्याएं लेंगे मतलब वो संख्या अपन में बराबर होनी चाहिए, मतलब कि 86 ले लिए और 25 ले लिए, 86 और 25 को आपस में गुणा करेंगे। देखिए 5 × 6 में करेंगे, इस तीर का मतलब ऊपर नीचे गुणा, तो 5 × 6 = 30 = 0 हासिल हो गया 3। अब इसका इसमें गुणा करें, 5 × 8 = 40, 40 लिख दिए, 2 × 6 = 12, 12 लिख दिए, 12 × 3 = 15 मतलब इसको आप जोड़ेंगे, 3 × 2 = 5, 4 × 5 = 5, 55 हो गया, 55 × 5 लिखेंगे, हासिल बचे 5, 5 × 5 रहने दे। अब इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दो बार तो 16, 16 × 5 = 21, 21 लास्ट में पूरा 21 लिख देंगे, आ गया आंसर।
किसी भी दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो उसी प्रकार आएगा, चाहे 82 में 44 का गुणा करें, चाहे 41 का जो भी संख्या है, लेकिन दोनों संख्याओं का जो संख्या जितनी रहेगी, दो जो ऊपर आएगी तो दो जो नीचे संख्याओं से गुणा करना होगा, कुछ नहीं करना है। तो इसका एक दो में करेंगे तो दुई होगा, चार का गुणा अब इस तीर का मतलब आप इस तीर के बारे में देखेंगे, चार एक गुणा आठ में करेंगे तो आठ होगा, चार का गुणा दो में करोगे तो आठ होगा, आठ और सोलह, सोलह को छः आंसी एक हो गया, यहाँ पर छः लिखेंगे आंसी एक हो गया। अब आठ चौक को 32 ऊपर नीचे गुणा 32 से 33, इसका भी आंसर आ गया है से का ऊपर नीचे, इसका भी आंसर आ गया। अब एक और बता रहे हैं 83 में 23 का गुणा, मान लीजिए 83 में 23 का गुणा करने को दे दिए की लाइन में, तब उसका भी गुणा उसी प्रकार करेंगे, तीन लिखे 9, अब 3 8 24, 24 को 24 लिखेंगे, 2 3 6 24 36, 30 को 0 हासिल हो गया, 3 हासिल हो गया, अगर 3 अब 8 गुना के 16 16 3 19 आ गया 1909। इसी प्रकार आप इन सबको सवाल को हल कीजिए, 62 में 31 का गुणा करना होगा, 33 में 25 का गुणा करना होगा, 66 में 37 का गुणा, इन सब संख्याओं को आप उसमें गुणा करके आप लिख लीजिएगा, 33 का 33 में गुणा कर लीजिएगा, 88 का 92 में गुणा कर लीजिएगा, किसी भी संख्या में गुणा कर लीजिएगा, दोनों संख्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। इस तरह आप किसी भी संख्याओं को, जब दो संख्या आपस में बराबर ऊपर नीचे रहेंगे तो आप एक ही लाइन में आप गुणा करना सीख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीन संख्याओं को कैसे आपस में, तीन संख्याओं का गुणा एक ही लाइन में कैसे करेंगे उसको हम सीखेंगे। यहाँ पर तीन संख्याओं का गुणा आपस में कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए पहले इस तरह तीर रहेगा, फिर इस तरह तीर रहेगा, फिर इस तरह तीर रहेगा, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह में मान लीजिए 325 दे दिया, 213 दे दिया, इसका एक ही लाइन में गुणा करना है आपको, एक ही लाइन में गुणा करना है, और दे दिया 44 25 33 20 22 23, एक ही लाइन में इसका भी गुणा करना है, यहाँ पर देंगे इसका भी एक ही लाइन में गुणा करना है, मतलब ये संख्या दे देगी आप ही कितना समय में कितना जल्दी हम करेंगे देखिए, या इसका मतलब इस तीर का मतलब ऊपर नीचे गुणा है, इसमें भी उसी नियम से चलेंगे जब अभी बताया है, इससे पहले उसको सीख लीजिएगा फिर इसको सीखिएगा, जैसे जैसे तीर रहेगा उसी तरह हम गुणा करेंगे। इस तीर का मतलब ऊपर नीचे गुणा, 3 5 15 हो जाएगा, एक हाथ से बचा। अब इस तीर का मतलब कि इन दो संख्याओं में देखेंगे, इन दो संख्याओं में, अब इन दो संख्याओं में देखेंगे तो 3 2 9 6 होगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा, 6 5 11 1 12, 12 को 2, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 लिखेंगे यहाँ पे, अब इसको मिटा देंगे। अब इस तीर के बारे में देखेंगे, इसको और इसको आपस में गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 2 9 10 हो जाएगा, अब इस 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 2 9 3 3 9 होगा, अब इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 हो जाएगा, अब आपस में सभी को जोड़ देंगे, 9 3 11 12 1 1 2 22, 22 को 2 हासिल हो गया, 2 फिर 2 हासिल लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिए,
अब इस तीर का विनियम खत्म हो गया, अब इस तैर का मान रह देंगे, तीन का गुणा एक में करेंगे, दो का गुणा दो में करेंगे, तीन का गुणा एक में करेंगे तीन होगा, दो का गुणा दो में करेंगे तो चार होगा, चार तीन सात दो नौ, नौ हो गया, नौ को नौ लिखेंगे। अब इसका गुणा ऊपर नीचे, इस तीर का मतलब ऊपर नीचे, द्वितीय छः आ गया 69,225, 325 का गुणा 213 में करेंगे तो आ जाएगा 69,225। उसी प्रकार अब हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए 442 दिया है, 442 में 322 का गुणा करना है। देखिए अब इसी नियम से गुणा करेंगे, दो का गुणा दो में करेंगे, दो का गुणा दो में, दो दुना में चार। अब इसका गुणा इस तरह करेंगे, तीन तीर एक तीर लेकर दो चौक को आठ लिखेंगे, दो दुना के चार, आठ चार बारह, बारह को दो लिखेंगे, हासिल एक हो गया, हासिल एक हो गया तो एक लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे अब इस तीर का मायने मतलब होता है चार का गुणा दो में चार दुना के आठ, तीन दुना के छः, दो चौक को आठ। अब सबको जोड़ना है, आठ छः चौदह, चौदह चौदह और आठ, चौदह छब्बीस, चौदह आठ बाईस, तेईस, तेईस को तीन लिखेंगे, हासिल हो गया दो, हासिल हो गया दो। अब इसका भी हो गया, आप इसको देखेंगे, अब इस वाले को, अब तीन चौक को बारह, अब दो चौक को आठ, बारह आठ बीस तीन तेईस, इसका भी तेईस मतलब तीन लिखेंगे, हासिल फिर दो हो गया। अभी फिर इसका आप देखेंगे, चार तीन बारह, बारह दो चौदह आ गया, सोलह चौदह 143,324। इतना में इतना को पूरा करेंगे। अब आए, अब इसको हम देखेंगे, 323 में 331 का पूरा करना रहेगा, तो ये पूरा तीन में करेंगे तो तीन ही होगा। अब इस नियम, अब इस वाले फार्म पे आ गए हम लोग, तो दो का गुणा एक में करेंगे दो, तीन का गुणा एक में तीन, तीन दो पाँच हो गया। अब इसको देखेंगे, अब इसको करेंगे, अब इसको मिटाएं, अब तीन का गुणा तीन में, तीन का गुणा तीन में तो नौ हो जाएगा, एक का गुणा दो में होगा तो दो होगा, इसको जोड़ देंगे, नौ तीन बारह तो चौदह, चौदह को चार, हासिल एक हो गया, हासिल एक हो गया, हासिल एक लिख दिए। अब इसको देखेंगे तो इसको इसमें गुणा करेंगे, तीन का दो में, तीन दुना के छः, अब इसको एक का तीन में, तीन हो गया। अब आपस में जोड़ देंगे, छः सात सात तीन दस को जीरो, यहाँ पर जीरो लिख दिए, यहाँ पर हासिल एक हो गया, हासिल एक हो गया। अब तितली के नौ नौ एक दस आ गया, इसके इतना आंसर। इकाई दान सैकड़ा हजार, दस हजार लाख, 1,453 आ गया। इस प्रकार आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, अब इसको समझ भी आप अपने से कर क्लिक कीजिएगा। इसको आप लोग एक ही लाइन में बुला करके बताइएगा। धन्यवाद।